नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के तक के प्रमुख खबरों को। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारतीय विदेश मंत्री ने जमकर सुनाया था। अब एक बार फिर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो पर निशाना साधा है। जयशंकर ने कहा है कि अच्छे मेहमानों के लिए वह एक अच्छे मेजबान है। इस दौरान उनका जोर से इस बात पर रहा कि बिलावल एक अच्छा मेहमान होने की योग्यता पर खरे नहीं उतरते हैं। बता दें कि मैसूर में मोदी सरकार की विदेश नीति से जुड़े एक मीट के दौरान सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी और संत रामदास को लेकर विवाद हो रहा है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव से एक वीडियो के लिए बिना शर्त माफी की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि उन्होंने झूठा और अपमानजनक दावा किया है कि संत रामदास मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के गुरु थे और वो रामदास ही थे जिन्होंने शिवाजी को भगवा ध्वज दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार सिर्फ जमीन के मूल मालिक को है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में तैयार हो चुका है। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। यह भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज म्यूजियम है। इसमें कई खासियतें होंगी। लोग एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने जैसा अनुभव भी ले सकेंगे। इसे चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में तैयार किया गया है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण बीमा कंपनियों के मीडिया विज्ञापनों के लिए नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहा है। नियामक ने प्रस्ताव में कहा है कि उत्पाद प्रचार के लिए मीडिया अभियानों को तैयार करने व मंजूरी देने का जिम्मा बीमा कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन का है। इस पर 25 मई तक हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बीमा विज्ञापन खुलासा नियमन 2021 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेरिटोरियल आर्मी की महिला अधिकारियों को पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर प्रादेशिक सेना के इंजीनियर रेजिमेंटों के साथ संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार नई दिल्ली में क्षेत्रीय सेना के समूह मुख्यालय और महानिदेशालय में स्टाफ अधिकारियों के रूप में तैनाती को मंजूरी दे दी है। टेरिटोरियल आर्मी यानी TA ने 2019 में परिस्थितिक कार्यबल इकाइयों TA तेल क्षेत्र की इकाइयों रेल और इंजीनियर रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को कमीशन देना शुरू किया। इस दौरान मिले अनुभव के आधार पर TA में महिला अधिकारियों के लिए रोजगार का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने स्मार्ट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन लागू होने के बाद पहले से मीटरिंग बिलिंग और कलेक्शन कार्यों में लगे कर्मियों का उपयोग करने की योजना का पूरा ब्यौरा बिजली कंपनियों से मांगा है। स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू होने के बाद बड़ी संख्या में मीटर रीडर से लेकर बिल कलेक्शन कार्यों से लगे कर्मियों के सेवामुक्त होने की संभावना को देखते हुए आयोग ने आपूर्ति कंपनियों से उनके विवेकपूर्ण उपयोग की रिपोर्ट तलब की है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देशों में जल्द भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है। इस परियोजना को लेकर अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच एक बैठक भी हुई है। बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में हिस्सा बनने के लिए सऊदी अरब गए हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए साल 2020 में बनाए गए PM केयर फंड में देश से ही नहीं विदेश से भी काफ़ी योगदान दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें विदेश चंदे के रूप में 535.44 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं। ये चंदा पिछले 3 सालों में दिया गया है। PM केयर फंड के रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के मुताबिक वित्त वर्ष साल 2019-20 में 0.40 करोड़ रुपए दान दिए गए थे, जबकि साल 2020-21 में 494.9 करोड़ रुपए और फिर 2021-22 में 40.12 करोड़ रुपए दान दिए गए थे। BJP सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में रविवार को दौरे पर थे। इसी क्रम में वो कई इलाकों में पहुंचे और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ भी की है। उन्होंने अपने भाषण में मुस्लिम समाज की सराहना करते हुए कहा है कि मुस्लिम समाज हमारी ताकत है। भवानीगंज में उन्होंने बंजारा समाज का नाम लेते हुए कहा है कि कभी कहीं मेरा बस चले तो इस बहादुर समाज का सदुपयोग देश निर्माण में करूंगा। मांग करूंगा कि आर्मी में अलग से इस समाज के लोगों के लिए रेजिमेंट बने। मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट UG 2023 का आयोजन रविवार को बिहार के 170 शहरों में आयोजित हुआ। वहीं पटना समेत राज्य के 27 शहरों में 170 परीक्षा सेंटर पर यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक कड़ी सुरक्षा के बीच हुई है। इसी बीच प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह भी उड़ी। इसी बीच कई फर्जी प्रश्न भी वायरल होने लगे। कई प्रश्नों के मैच होने की बात परीक्षार्थियों ने स्वीकार किए तो कई को परीक्षार्थियों ने फर्जी बताया है। इन पर NTA अधिकारियों ने कहा है कि ये केवल अफवाह है। राजधानी दिल्ली में करीब 4000 दुकानों की सीलिंग जल्द खुलने की उम्मीद है। केजरीवाल सरकार व्यापारियों के हित में एक नीति बनाकर सील हटाने को तैयार है। अब केवल दिल्ली नगर निगम
को फैसला लेना है। बताया जा रहा है कि सरकार के निर्देश पर एमसीडी भी सहमत हो गई है कि न्यूनतम जुर्माने के साथ सील हटा दी जाए। पटना के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसी और पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन के बीच चल रहे विवाद में अब बीच का रास्ता निकला है। पटना जिला क्रिकेट संघ में क्रिकेट संचालन के लिए तदर्थ समिति को लेकर बना संशय खत्म हो गया है। बता दें कि मौजूदा विवाद के बीच तदर्थ समिति के पुनर्गठन को लेकर सबसे पहले यह बात सदस्य रहबीर आब्दीन ने उठाई थी। पूरे देश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है, कहीं बारिश तो कहीं आंधी तूफान का दौर चल रहा है। उत्तर भारत में जहां एक तरफ बारिश का दौर थमता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तापमान में वृद्धि होने लगी है। मौसम विभाग ने रविवार को भारत में कई हिस्सों में 8 मई से 12 मई तक चक्रवाती तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। शनिवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक चक्रवात बना, जिसे मौसम वैज्ञानिक अगले सप्ताह संभावित गंभीर चक्रवाती तूफान मोजा के विकास के पहले चरण के रूप में देख रहे हैं। भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशियाई देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से सुझाई गई इस परियोजना के तहत इस क्षेत्र को समुद्री रास्ते दक्षिण एशिया से जोड़ने का भी इरादा है। अमेरिका पश्चिमी एशिया देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने में भारतीय विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को इस परियोजना पर अमेरिका और यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बातचीत की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने सऊदी क्राउन प्रिंस और अपने भारतीय व अमीराती समकक्षों से सऊदी अरब में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और दुनिया के साथ जुड़ी परियोजना और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की है। बता दें कि बैठक रविवार को जद्दा में हुई थी। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि सुलिवन और डोभाल इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन से इतर फिर से मिलेंगे। भारत सरकार ने 2070 तक देश में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में कई प्रावधान भी किए हैं। ग्रीन ग्रोथ पर सरकार के फोकस को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को 3 मई को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें क्या कहा गया है, 2030 तक भारत में ग्रीन एनर्जी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे वह सालाना जीडीपी का 2.5% रहने का अनुमान है। भारतीय आम के स्वाद ने पूरी दुनिया को दीवाना बना रखा है। भारतीय आम बड़े पैमाने पर विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। अलग अलग किस्म की आम स्वाद भी अलग होता है। आम के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में पहले स्थान पर आता है। यहाँ हर साल 1,00,000 टन आम की पैदावार होती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन करने वाला राज्य है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट का एक वीडियो क्लिप शेयर हो रहा है, जिसमें जज आईएएस अधिकारी से पूछते हैं कि उन्होंने ढंग से कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। एक क्लिप में गुजरात हाईकोर्ट के जज वकील से पूछ रहे हैं कि आप केस के लिए पूरी तरह तैयार होकर क्यों नहीं आई हैं। इस तरह की कई हल्की फुल्की चीज़ें YouTube पर उपलब्ध हैं। इन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह गंभीर मसला है। कोर्ट रूम में जो भी होता है वह वाकई बहुत गंभीर होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को प्रेस इंडेक्स पर भारत की कम रैंकिंग के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि भारत में प्रेस सबसे बेकाबू है। मोदी सरकार की विदेश नीति पर संवाद सत्र के दौरान जयशंकर ने कहा है कि मैं हमारी संख्या देखकर हैरान रह गया हूं। मुझे लगा कि हमारे पास सबसे बेकाबू प्रेस और मौलिक रूप से कुछ गलत हो रहा है। अफगानिस्तान के साथ भारत की रैंक की तुलना करते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान हमसे पहले से आजाद था, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये सबसे कहते वक्त लोकतंत्र स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस इंडेक्स को देखता है। शराब नीति घोटाला मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट के एक फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने है। आपने आबकारी नीति मामले में अदालत द्वारा दो आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद रविवार को कहा है कि इस मामले में पार्टी पर झूठे आरोप लगाने के लिए भाजपा माफी मांगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत से संबंधित अदालत के एक आदेश को तोड़ मरोड़ कर और भ्रामक तरीके से पेश करने का आरोप भी लगाया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, एच के मल्होत्रा, संजय चौधरी, नौसाद राजा, एमडी साकिर हुसैन और कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पहले से कम हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।